कितने अभी सितम होंगे, गैस के नर्ख कभी कम होंगे। है ये ऐलान APDM का कि ये जलसे नहीं खत्म होंगे। ऊपर से कोरोना के वार भी है जारी, लो भिरा रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आज ते मरी अंडे बेचने वाले लग रहे जी। वो राइटर ने जिन्नी सर्दी पैन रही है अंडिया के फिल्म लिख देनी है उन्होंने। ठाकर साहब, अगर अंडिया के फिल्म लिखणगे तो की नाम होणगे? अंडे वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ना मालूम अंडा। अंडा इन ट्रबल। मुझे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MP पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब के एडवाइजर हैं ऑन हेल्थ, जनाब हनीफ खान पताफी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक जबरदस्त अदाकारा, मोहतरमा नादिया अफगन। शो जी, मेरे बड़े प्यारे डेरा गाजी खान से दो जी पताफी साहब माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं। क्या बात। और एक बड़ा ही खूबसूरत शेर लाया हूं जी मैं नादिया जी के लिए। न जाने कब से थे हम मुंतजर के आप आ जाएं, सो आज फाइनली आपके हुए दर्शन। मजाक रात को लगते हैं चार चांद के, जब हमारे सामने आ जाएं नादिया अफगान। मेरा शेर PTI लीजिए जी। गली बाती बस परचाया लोकां नूं, अरे वाह वाह, गली बाती बस परचाया लोकां नूं, लारे उत्ते लारा लाया लोकां नूं, ते कोई ते जाके दसे इन्हां दे वड्डियां नूं महंगाई ने मार मकाया लोकां नूं। कोई बुलाए तो जाना नहीं है, नहीं है कोई खिलाए तो खाना नहीं है, अवाम जितना मर्जी बुरा भला कहे पताफी तुमने घबराना नहीं है। जी हनीफ पताफी साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब के आप एडवाइजर हैं हेल्थ के ऊपर, तो कैसी है चीफ मिनिस्टर पंजाब की हेल्थ? चीफ मिनिस्टर पंजाब की हेल्थ भी ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कोरोना के दिनों में हाँ जी जिस तरह पंजाब ने परफॉर्म किया हाँ चारों सुबह में, तो आपके सामने सेंचुरी की थी तुसी जी बिल्कुल। इस वक्त आज की अगर मैं बात करें तो तकरीबन 6000 ऑक्सीजन बेड जो HDU यूनिट कैम किए गए हैं तहसील हेडक्वार्टर से लेकर टीचिंग हॉस्पिटल तक, और तकरीबन जो हमारे पास पहले 400 से 600 वेंटिलेटर होते थे, इस वक्त पंजाब में 2000 से ज़्यादा वेंटिलेटर मौजूद हैं। और कोरोना के दिनों में जो हमारे पास पहले टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ दो चार टीचिंग हॉस्पिटल में BSL-3 लैब थी, इस वक्त ये तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक BSL-3 लैब जिनमें कोरोना के फ्री टेस्ट हो रहे हैं ये फैसिलिटी दस्तियाब है। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के दिनों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतरीन रही है, जिसको पाकिस्तान नहीं बाकी दुनिया। मरीज को बचाना जो है उसकी कारकर्दगी तो आपने बता दी, ये मरीज को मरीज बनने से बचाने की जो कारकर्दगी है वो भी बताइए ना जरा। जब फरवरी में कोरोना की वबा शुरू हुई थी, पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले हेल्थ एमरजेंसी का नफाज किया। मेरी अभी आवाम से यही अपील होगी कि पहली जो मेरी सर्ज आई थी उसको तो हमने बड़ी अच्छी तरह से उसके साथ निपटाए, अब हमें आवाम की सपोर्ट चाहिए। आपके ख्याल में ये माइक्रोस जो लॉकडाउन है ये काम कर रहा है अभी भी? देखिए, लॉकडाउन करना एक बात है पताफी साहब, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और फिर लोगों का बकायदा तौर पे उसको मानना एक और बात है। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन हमारा कामयाब रहा उसमें, जो खान साहब की पॉलिसी स्मार्ट लॉकडाउन की, उसमें हमने सिर्फ कोरोना के मरीजों को नहीं सोचना था, जो हमारे दिहाड़ी दाड़ हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, उनका भी सोचना था। वो मैं समझता हूँ खान साहब की वो पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही। आपके पड़ोसी मुल्क आप इंडिया में देख लें या बाहर देख लें, जितना कोरोना की वजह से डेथ हुई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो दूसरी लहर आ रही है इसमें मेरी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से आवाम से यही अपील होगी कि सोशल डिस्टेंस रखें, और ख़ास तौर पे
जब घर से आप बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, 70% आपकी सेफ्टी से है। अगर किसी ना सलाम भी लेना तो सोटी अगे कर दियो, मिला दे वो भी सोटी ना करके, ताकि ना हाथी बना एक दूजे मिलाओ। जी बिल्कुल, आप गवर्नमेंट इस पे ऊपर सख्ती भी कर रही है, जो लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी, आप इसे एग्री करती हैं? कार्रवाई का तो मुझे नहीं पता कि उससे मैं करती हूँ नहीं करती, लेकिन मास्क हाँ मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ। और जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल ठीक है, वैसे हमें अपने तौर पे भी तो करना है ना, मतलब हम कितना हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, एक दूसरे से ज़रा फासला रखेंगे, छोटी सी बात है मास्क पहनना। जो शुरू में मैंने देखा था जब पहली वेव आई थी तो सड़क के ऊपर बच्चे इवन यू नो मैंने एक दो बच्चे जो गाड़ी पे साफ करने आते उन्होंने तक मास्क लगाए हुए होते थे। अब इस दफा लोग इतने केयरफुल नहीं है, और अगर हम कर लें तो हम पिछले से मतलब अपनी जान बचानी है और दूसरों की जान बचानी। यही तो बात है ना कि वो जो कह रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे अब एक्चुअली वो मामला उस पॉइंट तक पहुंच चुका है जहाँ पे हमें शायद ये फाइन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ये भी तो एक हमारी आवाम का मसला है ना कि जब तक ना पड़े सर के ऊपर सही वाली तब तक वो करते नहीं है। अपने तौर पे तो आपने फ्री हैंड देके देख लिया, मान ही नहीं रहे ना अभी तक, तो अभी तक इस पे भी आसानी सर डर ही नहीं रहे, बल्कि हम तो एक दूसरे को मिलके कहते हैं हैप्पी कोरोना डे। बिल्कुल ना यार, कोरोना ही मार देता है, हैप्पी कोरोना डे। लेकिन अकरम भाई बिल्कुल जड़ा ना ख्याल कर रहे हैं, टेंट पे भी सैनिटाइजर ला के होते हैं, करना चाहिए भाई, सैनिटाइजर भी यूज करें, मास्क भी लगाएं आप, और आप जितना बच सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं आप बचाएं। बिकॉज वैसे आई हैड अ डेथ इन माय फैमिली, और इतनी सी बात थी कि सारे घर वाले बीमार हुए, एक इंसान जो था यू नो क्या किया जा सकता है, यू हैव टू, आपको अपना नहीं ख्याल, या आपको लगता है कि आप बहुत ही कोई जबरदस्त किसी चीज के बने हुए हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, तो आप बाकी अपने घर वालों का इसका तो पता भी नहीं है ना कि ये आपको नहीं, हम में से किसी को नहीं पता कि अंदर हमारा इम्यून सिस्टम किस किस्म का है, और इस बीमारी के मामले में किस हो सकता है किसी को बिल्कुल भी ना महसूस हो और किसी बेचारे को कुछ और हो जाए। एग्जैक्टली, तो हमें अब ये एक्सपेरिमेंट करने वाली हरकत तो नहीं है ना कि अब आप इसके जरिए जाने कि मेरे अंदर क्या मामला है। सही फरमाया, इस वक्त SOPs पर अमल कराने के लिए शादी हॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, जितने शॉपिंग सेंटर हैं SOP पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है, रात भी क्रैकडाउन किया गया, इनको सील भी किया गया और इनके जुर्माने भी किए। शादी हॉल्स का तो मैं प्लीज बता दूं, मुझे कल रात को ही पता चला, मेरे किसी जानने वाले की शादी थी, उन्होंने कहा कि वो डेट थोड़ी सी आगे मूव कर दी क्योंकि अब शादी हॉल में नहीं कर सकते, तो फार्म हाउसेस पे लॉन्स वगैरह ना वहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कितना कोई मूव कर लेते हैं लोग। क्रैकडाउन जो है जरा थोड़ा वसी करना पड़ेगा आपको, फार्म हाउसेस में नहीं जा रहा, निकले ना आप जी इस वक्त जो अभी तक की जो है ओपन एयर में इजाजत दी गई। ओपन एयर में तो फिर जलसा भी होता है, नहीं ओपन एयर में वो हद तय कीजिए कि 200 से ज्यादा गेस्ट नहीं होंगे। अब ये बंदे कौन गिनेगा ओपन एयर में कि 250 बंदा है, उससे ज्यादा 260 पे बात पहुंच गई है, इसलिए पथावी साहब ये मामला जो है ना जरा गल बात की मुख्तार यार। वैसे आपकी पहले कभी मुलाकात है पथावी साहब से? नहीं बिल्कुल नहीं है। एक बड़े ही हसमुख और एक बड़े ही जबरदस्त इंसान हैं। आप हमेशा इनको मोस्टली आप इनको विद स्माइल ही देखेंगी। वैसे पथावी भाई आप जैसा बंदा ना पॉलिटिक्स में सूट नहीं करता, आपको होना चाहिए था कोई शायर वायर, ठीक है नादिया आप तो फनकार हैं तो आप इस चीज को इमेजिन करिए कि पथावी भाई की शक्ल का एक फुल क्लोजअप हो और इंस्टाग्राम पे उसकी पोस्ट आ रही हो और उसके नीचे कोई शेर लिखा हुआ आपके नाम से कि चल उठ जाने का वक्त आ गया है पताफी, हुन दिल वाले मामले छोगी साढ़े नल काफी। कितना दिल चाहेगा कि आप लाइक का बटन दबाएं? दिल ना हुआ खोल मैं पताफी गाना चाहनी है। वैसे शेरो शायरी से कोई दिलचस्पी है आपको? नहीं कोई खास दिलचस्पी नहीं है। कितनी को है? ऐवे सुनने की हद तक है। मौसीकी से दिलचस्पी? सरायकी के हमारे शहर है वापस शाकिर शुजा, बिल्कुल शाकिर शुजा वाजी साहब, तो सरायकी शायरी सुनने की हद तक है। अरे वाह, और कोई गाने वाने का भी शौक है? हाँ जी, इन्हें दो केसा रिलीज हुई ने। मतलब सुनते हैं ना? बिल्कुल सुनते हैं। मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ वही वाला गाना सुनते हो जब आएगा इमरान? वो तो हमारा नहीं, वो तो आपका एंथम हो गया ना, मौलदा ईसा खेलवी का वो सॉन्ग था, वो सुपर हिट सॉन्ग था वो। अताउल्लाह साहब के बाकी गाने भी हैं वो सुनना? बिल्कुल सुनते हैं। वो गाना नहीं सुना था कमीज तेरी पताफी? शुरू से आपने यू नो प्राइमरली आपने कॉमेडी बहुत ज्यादा की, यू नो फेमस होने का फर्स्ट स्पॉट जो था वो कॉमेडी ड्रामास और कॉमेडी थी, तो वैसे कैसा लगता है जब किसी को फीकी जुगत करते हुए देखते? फीकी होस्टिंग ना कुछ नहीं होता, देखो बता दे रहा जो
ऐसी मुंह से पर यही निकलता है कि अल्लाह माफ करे बड़ी पिंकी से। अच्छा वैसे आप बताए बताए आपको कैसा लगता है जब कोई फिक्की हुकूमत कर रहा हो? देखिए आपका ये प्रोग्राम है, समझता हूँ 11 से 12 दुनिया न्यूज़ का जो ये आपका प्रोग्राम होता है, यहाँ से हाल होता है, इसका कोई मुकाबल नहीं दूर तक। आपने ये ट्रेंड सबसे पहले दिया, मैं तो खास तौर पर फैमिली फिक्की फिक्की के साथ नहीं, ये फिक्की झुकता फिक्की घूमता का ट्रेंड हमने दिया। रंग आली जा मगर हालात से है काफी तंग आली जा, और अब तो हम भी यकीन से ये कह नहीं सकते कि भूख है या ज्यादा है नंग आली जा, हमारी जान ही ले लेगी ये महंगाई, और आप जारी रखिएगा करप्शन से जंग आली जा, क्या ही बात है आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नादिया जी ये बताएं, आप वोट कास्ट करती हैं? लास्ट टाइम किया था, यानी कि 2018 में आपने किया था। हाँ, लास्ट मैं इस दफा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली थी। 2018 में आप नहीं थी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर वैसे मैं अपना अवार्ड ही खाते बाहर चली गई थी। इतनी बुरी बात है ये, देखें फ्लाइट इतनी बुरी थी ना हमारी, मैं रुक जाती आई स्वेयर, और मुझे पिंडी जाना पड़ता वोट के लिए, तो इसलिए। आपका तो पिंडी में वोट होता है, तो मुझे ये बताएं कि वैसे आप खुश हैं जो हालात चल रहे हैं? यू नो कि मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं होना, लेकिन जो मैं पढ़ती रहती हूँ और जो मैं देखती रहती हूँ वैसे आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें ठीक होंगी ना। मैं तो हमेशा यही बिलीव करती हूँ, कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं किसी के पास, और जब हम इतना कुछ इतने सालों हजारों में, पिछली गवर्नमेंट की भी बात नहीं करी उससे पिछले, इतने अरसे से इतना कुछ हमारे मुल्क में जड़े और रूट्स तक खराब हो चुकी है, तो उसको ठीक करने में वक्त तो लगेगा ना, तो ठीक है थोड़ा टाइम है और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो ही रही है। और आपको लगता है कि सही डायरेक्शन में जा रही है गवर्नमेंट टू रेक्टिफाई ऑल दोस मिस्टेक्स? देखो वैसे मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर फैमिली का जो हेड है ना वो ऑनेस्टली काम करे ना और ऑनेस्ट हो, तो फिर फैमिली कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाती है। बेटा एक खराब हो भी या दूसरा खराब हो भी है, तो कहीं ना कहीं अब्बा फिर डंडे मार के ठीक कर ही लेते, तो वो जाते हैं। तो हर एक में ही होती हैं। आप एग्री करते हैं यही आप लोगों की है कि फैमिली हेड सही होना चाहिए? जी बिल्कुल, क़यादत अनेस्ट है, पहली दफा है कैबिनेट मेंबर के ऊपर आप करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा सकते। तब्दीली कोई सोच नहीं था खान साहब कहते, जिसको ऑन कर देते हो तब्दीली आ जाती, काम हो रहा है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अगली गवर्नमेंट भी इमरान खान की होगी। अच्छा आपको ऐसा लगता है? आई हैव अ फीलिंग। हां जी अखा खोल लो, सवेरे काम पे भी जाना है। नहीं मैंने लग गया है आपको, चले मेरी आपकी लग गई शर्त, चले ठीक है। नहीं अल्लाह करे वो एमिन ना मेनू ना पतावी साहब के खिलाफ करवा देना। नहीं नहीं आपको ऐसा लगता है कि अगली गवर्नमेंट भी नहीं की आ रही है? वाह कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, जिस डायरेक्शन आप लोगों के अलावा भी कोई बात कह रही है, इंशाल्लाह जिस डायरेक्शन पे काम हो रहा है तो इंशाल्लाह आने वाली अगली गवर्नमेंट भी ज्यादा अक्सरियत से खान साहब कामयाब हो। ज्यादा अक्सरियत से आएंगे खान साहब, मियां साहब भी एनजी केंद्र से वापस नहीं आ रहे। ये आप क्या करेंगे नून लीग वालों का? माजी का हिस्सा है वो वापस नहीं आते। वैसे मुझे बात बताइए साउथ पंजाब के अंदर अब काम हो रहा है? जी साउथ पंजाब के अंदर बहुत काम हो रहा है। देखें पहले आपका तकरीबन 42% बजट सिर्फ लाहौर पे, बिल्कुल 68% रेस्ट ऑफ पंजाब में और 42% सिर्फ लाहौर में। साउथ को सिर्फ 12% बजट मिलता था, इस वक्त सीएम उस्मान बुज़दार साहब ने 33% बजट साउथ तीन डिवीजन बहावलपुर मुल्तान और डेरा गाजी खान के लिए एलोकेट कर दिया, उसकी रेंज फेंसिंग कर दी है कि ये वापस भी नहीं आएगा। पहले 12% बजट मिलता था वो भी आखिर में वापस आके ऑरेंज लाइन पर लग जाता था। लाहौर में मेट्रो की जरूरत थी लेकिन ऑरेंज लाइन की कोई जरूरत नहीं थी। 200 अरब रुपया अगर आप इन हॉस्पिटल पे लगा देते तो हॉस्पिटल काफी बेहतर हो जाते। मैं अभी बहावलपुर शूटिंग कर रही थी एंड वी वर शूटिंग इन चोलिस्तान में, हम शूट कर रहे थे, और आप जब दूर होते हो ना तो आपको अंदाजा नहीं होता कि लोगों को कितनी मुश्किलात हैं या कितनी सड़कें तो हैं हमारी वहाँ पे, लेकिन गांव के गांव जिनको डार कहते हैं डर कहते, वहाँ पे बिजली तो है ही नहीं और पानी वासे बच्चे गंदा पानी पीते हैं जो इस तरह उन्होंने जमा किया हुआ होता है। सुबह से लेकर रात तक हम शूट कर रहे थे, कोई 22 घंटे की शूट थी, वापस आई लिटरली मैं होटल आके जब मैंने गर्म पानी का नलका खोला तो मेरा सांस बंद हो रहा था, मैंने कहा यार बंद कर दो, हम बहुत पानी जाया करते। सो वी हमारे बहुत ज़्यादा जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की और पानी बेसिक नेसेसिटीज, बिजली तो बहुत दूर की बात है लेकिन बच्चों को जो मैंने वो पानी पीते हुए देखा ना आई वॉज हॉरिफाइड। बहुत बहुत बिल्कुल ये एक बहुत हार्श रियलिटी है जो कि जब तक हम लोग देखते नहीं इन पर्सन तो आपको एहसास नहीं होता कि ये जो 8-7 घंटे का सफर करने के बाद आप चले गए हैं किसी जगह पे, चाहे वो चोलिस्तान है या भावलपुर या पूरा वो बेल्ट जो है, आप
आपको वहां जाकर फील होता है कि यार ये 7-8 घंटे में दुनिया कितनी तब्दील हो गई है। आप हैरान हो जाते हो कि क्या हालात। उथे भी पीटीआई की हुकूमत है ना, बिल्कुल ऐसे है कि अभी तक 90% लोगों को प्योर पानी प्रोवाइड नहीं हो रहा। 70 साल से किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, तो इस पे मगर उसकी वजह यह है ना कि बंदे भी तो फिर वो लगाए ना आप लोग सारे हेड्स जो कि अगर आपने सारे फ्यूडल एलीट लगानी है पाकिस्तान की या सूडो एलीट लगानी है जो कि आके हमेशा एक लीडर बन जाता है तो फिर उसका किसने सोचना था। और अनफॉर्चुनेटली जो बीच में कुछ लोगों को मौका मिला जो इन इलाकों से थे जिनको सदर बनने का मौका मिला या वज़ीरे आज़म बने तो वो इतने खुश थे इस्लामाबाद होने से कि उनके वो पिछला वाला एरिया बस उन्होंने कहा ये डेरे के तौर पे ही सही है, इसके अंदर फैसिलिटी कोई नहीं लानी, हम इस्लामाबाद में घर बना के खुश हैं। बिल्कुल ऐसा होता रहा कि माजी में वो सरदार थे मुसल्लत, वो इलेक्शन जीत जाएं या हार जाएं आपको लाहौर या इस्लामाबाद में लेंगे जी बिल्कुल। लेकिन ये पीटीआई ने ये कल्चर चेंज किया है कि हमारे सीएम उस्मान बुज़दार साहब भी महीने में हल्के में जरूर आते हैं और मैं तो कम से कम हर वीकेंड पे हल्के में जरूर जाता हूँ। तो उधार लेना जी यार, मगर हल्के में आप वीकेंड पे क्यों जाते हैं, उससे पहले भी जाएगा। हफ्ता एतवार मेरा हल्के के लोगों के लिए मुख्तस। अच्छा। खुली कचहरी होती है वहाँ पे हल्के के लोगों के लिए मुख्तस। अरे वाह, कैसी लग रही है वैसे आपको इनकी बातें? बातें तो मुझे अच्छी लग रही हैं, बट होपफुली काम भी हो रहा होगा, आई होप सो। हल्के दे लोग देना नो आके कहते जी बतावी साहब गली च पानी इकट्ठा होया, कहते किन्ने बंदे जी, कहते 100 बंदे, कहते घुट घुट पी लो फिर। How you doing, bro? Good, how are you? You know, last night, Mama called me. Okay. She said, what's going on in Pakistan? Huh? Main kaha, Mama, bijli nahi aa rahi, but bijli da bill aa rahi hai. Achha. Main kaha, gas nahi aa rahi, but gas da bill aa rahi hai. Main kaha, hukumat aa gayi, but tabdili nahi aa rahi. Achha. Main kehndi, come back to the United States. Oh. Because tere kehnde, dusre cousin di hukumat aa gayi. Dusre cousin? Yes, Joseph Rabin to Biden. मेरी वड्डी फुफी दे वड्डे देवर दा मुंडा यस ओ भी साडा कजन सी। मामा कहंदी दिस इज गुड गाय। बगरूर आ गया सानू नहीं बुलांदा बट इलेक्शन मामा कहंदी मैं बड़ी हेल्प की, मैं कैंपेन चलाई है, बड़े मैं वोटर कठे किए ने। मामा कहंदी राती आया लड्डू पीठियां ले लैके मेरी मामा ने थैंक यू किया उन्हें। अच्छा। वो कहंदे भी आ जा तेनू हुण असीं इत्थे कोई जॉब दुआ दिंदे आ। ठीक। टिकट भी मामा ने भेज दित्ती। अरे वाह। हां बट ना यू नो उन्होंने क्या कोरोना टेस्ट कराओ 6500 दा टेस्ट है। अच्छा मामा ने 1.5 लाख की टिकट भेज दी 6000 रुपए नहीं भेजा। ए आई डोंट बेबी ये क्या बदतमीजी है। शी इज फ्रॉम पीटीआई आई नो। शी इज नॉट फ्रॉम पीटीआई। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं एकदम ना तुहानू वेख के ते आ मेरे चौर पौर पौ गए सन। बट शी इज सो नाइस। यस। केरी पार्टी दे ने। शी इज एन एक्टर। ओ शी लुक्स लाइक एक्टर। हां इन दिया मैं फिल्मा वेखिया ने संगीता मैडम ने ना। नहीं क्योंकि इन्होंने बड़ी खिदमत की, नए लॉज कुछ लेके आ रहे ने इलाके। डीजी खान। डीजी खान आई लव डीजी खान। राजनपुर चौक आजम चुबारा। कोरोना का आपका टेस्ट मैं करा दूंगा फ्री। फिर मेनू की बचे। बहुत
सारे पैसे तुसी देते ने फिर छड़ मैं तुहानू आवांगा मैं तुहानू एक शराकी नगमा डेडिकेट करना जी तेरे नाल बनायो मसांगा ओ गिन के आईया बड़ा मांगा ओ मेरा बोस केदा चोला सोना बोस केदा सोना बोस केदा चोला चोला बोस केदा तेरे नाल बनायो मसांगा समझ नहीं ना आई नहीं बस बोस्की का जो जो क्या गाना वैसे लिरिक्स बताइएगा तेरे नाल बनाया मसांगा तेरे नाल मैं दोस्ती बनाई है ठीक है ते लेके आई हूं बड़ा महंगा ठीक है ए सोना बोस्की दा चोला तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूं बोस्की का चोला बाजी तुम्हारे को कोई 150 नहीं आई एम सॉरी मेरा बैग उन्होंने रखवा लिया कोई गल मैं ओदे कोल ही खलोता ठीक है मैं ओदा ख्याल रखूंगा कोई और ना कड्डे मेरे अलावा बल्कि इंज कर बैग खोल के बेची वड़ जा दे अपने आप नु देखो नहीं उन्होंने देखे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात पताफी साहब आपने कभी नादिया जी के कोई ड्रामा देखा है कम इत्तफाक हुआ है को देखा नहीं है आपका हाँ। पिछले साल एक बड़ा मशहूर ड्रामा था सुनो वो चंदा सुना आपने सुनो चंदा था नहीं पता मंगो चंदे था पता मैंने लास्ट टाइम कोई ड्रामा अगर देखा था वो मेरे पास तुम हो मेरे पास तुम हो देखा हुआ इन्होंने अच्छा वो आपने क्यों देखा फैमिली घर में देख रही है तो मैंने नजर से तो मेरी ज्यादा आपको किसका कैरेक्टर पसंद आया उसमें हुमायूं सईद का या अदनान सिद्दीकी का नहीं हुमायूं सईद का कैरेक्टर हुमायूं सईद तो हुमायूं सईद ने बड़ी जानदार एक्टिंग की और जो ड्रामे का एंड हुआ वो आप उससे एग्री करते थे मेरे ख्याल उन्होंने बेहतरीन एंड किया इससे ज्यादा बेहतर एंड अगर इतना अच्छा आदमी हो तो मार ही जाए नहीं जो विलन के साथ में दिखाया ना वो ठीक दिखाया नहीं विलन तो क्या दिखाया विलन तो निकल लिया साइड पे मगर वो बेचारा हीरो ही मर गया हाँ, आप तो खुद एक एक्टर हैं आप एग्री करती हैं मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती मैं बड़ा डिसएग्री किया कि ये क्या बता रहा ऐसा भी क्या मोहब्बत हो गई ऐसा भी क्या दिल टूट गया कि आप मर ही जाएं किसी की दहलीज पे जाके मतलब मूव ऑन गेट अ लाइफ अब तुम इतने अमीर हो गए हो तो अब ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस होंगे जिंदगी में कुछ कर लो कोई चैरिटी मरना ही है मरता है तुम बताओ कोई मरता है कि जी मुझे बड़ी मोहब्बत थी ओहो वो मुझे छोड़ के चली गई या चला गया अब आप मर जाओ अभी भी कुछ लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं कोई तो बंदा ऐसा दसो जिन्हों जाके मैं ये पूछा भाई ये करोना वाला मामला कदों खत्म होएगा ये उनसे पूछो ओ माशाल्लाह माय बेस्ट फ्रेंड हां हनीफ ताफी साहब पताफी ताफी तेरा गाजी खान तो एडे मिठे हाय हाय मैं ना बोलना मिठा गुफ्तगू में सब तो अच्छी गल है भी सोशल वर्कर ने भाई सियासी लोग उठे बड़े ने लेकिन पताफी साहब दे खानदान दी क्या बात जबरदस्त भाई उथों दे गरीब अपने डेढ़ दी गल भी ना दस देंदे इस वास्ते तो माशाल्लाह हर बारी सिलेक्ट हो जांदे ने ते हुण की काम करदे ने हुण काम करदे ने हां हुकूमत ही ते है मिनिस्टर के एडवाइजर हैं वो हाँ मैं सीएम साहब को जदों देखना यही बोल रहे होंगे ने अच्छा हाँ वो तो चुप होंगे ने हाँ यो इन्हें दस दिन में ना सही उन्होंने दस या उन्हें हंसते भी नहीं कौन सीएम साहब पंजाब दे हालात वे क्या सुन ही पाए ना ते अपना माँ चला भाभी भी उन सियासत च अरे नहीं यार गौर से देखो मैं देखिया जी अपना वो लड़ते ने रहीम यार खान तो इलेक्शन बाजी हो रही ते भाईजन लड़ते ने डेरा गाजी खान कौन समझ रहे हो क्यों अपना मोहतरमा नादिया पताफी साहब पताफी साहब रोक नहीं रहे डायरेक्टर भी ने लिख भी लेंदे ने
ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਿਮ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਕਮ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵਨ ਫੋਟੋ ਸਰ ਓਹੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਬਾਤ ਭਈ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਫੈਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਰੋ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰੋ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं पताफी साहब आपके साथ। सर ये बताइए, आधी रात का वक्त है, पताफी साहब शदीद बोर हो रहे हैं आप, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और अजमा बुखारी। हिना परवेज भट्ट को ठीक है। ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, दो सीटें हैं, एक अपनी दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा, आप वापस आ जाएंगे, तो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और फयाजुल हसन चौहान। डॉक्टर आमिर लियाकत को चांद पर छोड़ना चाहते हैं। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अलीम खान और जनाब यासिर हमायूं। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? डॉक्टर यास्मीन राशिद। ये बताइए स्माइल किन को दे रहे हैं? अलीम खान। और किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? मजबूरी है, तीसरे बच्चे कौन? यासिर हमायूं ही हैं। टाइटैनिक पर जा रहे हैं पताफी साहब, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और महवेश हयात। क्यों? फिरदौस आशिक अवान के साथ तो वैसे मुलाकात हो जाती है, महवेश हयात के साथ ही मुलाकात हो जाएगी। टाइटैनिक डूब गई थी तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो डूबेंगे। अगर वो इसलिए तो कह रहे हैं कि वो कब उनसे तो रोज मुलाकात हो जाती है, कम से कम डूबते वक्त महवेश हयात साथ हो। बता दे सर, फिर डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट, एक अपनी दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी। और जहांगीर तरीन साहब के साथ जो हमारे लीडर हैं उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक है, इसमें एक और नाम ऐड करें। चलो ठीक है, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ। सर ये बताइए, पाकिस्तान में पहली बार आम इंतखाबात कब मुनक्किद हुए थे? 1949 आई थी। नो सर, वापस आए फिर। वापस आ जाते हैं सर, किसको दे रहे हैं लाइफ जैकेट? मेरी रिक्वेस्ट, एक और ऑप्शन दे दूं मैं इसके अंदर। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं बिलावल भुट्टो। चलें, बिलावल भुट्टो नौजवान है, उसको लाइफ जैकेट दे। ओए होए होए, बिलावल भुट्टो साहब स्मार्ट ले गए। दो पीटीआई के मेंबर जो थे वो दरमियान में थे, लेकिन बिलावल भुट्टो लाइफ जैकेट लेके निकल गए, क्या बात है जी। नादिया जी, हाँ जी, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, एक कॉल बोरियत किल करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब कायम अली शाह। मौलाना साहब से बात कर लूंगी, कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मौलाना साहब से बात कर लेंगी। लिफ्ट में एंटर हुई है, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है की मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। मैडम ऑप्शन आपके पास है सबा कमर, महवेश हयात, मायरा खान। सबा कमर, सेल्फी, स्माइल किसको है? महवेश हयात के साथ को स्माइल, और मायरा को कहूंगी तुम्हारा फ्लोर आ गया है। मायरा खान आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, शहरेजाद में आपने उनके साथ काम किया था, ठीक है, इसीलिए ठीक है। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उस जॉइंट साइज फ्रेम के अंदर? ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब और राणा सनाउल्लाह। आमिर लियाकत साहब की तस्वीर का तो सही ना बंदा थोड़ा, ठीक है। ये बताए, चांद पर जा रही है स्पेस रॉकेट, दो सीटें, एक अपनी दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है, जिसको चांद पर लेके जाएंगी
वो वापस नहीं आ सकता। तो कौन होगा वो जिसको चांद पर लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सवेरा नदीम, हाँ। मारिया वास्ती और इफ्फत उमर। इफ्फत को ले जाऊंगी साथ में। इफ्फत उमर को आप चांद पर लेके जाना चाहती हैं? ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, वीआईपी पास आपके पास हैं, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर अपने साथ आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी, हाँ। और पताफी साहब। नहीं, मैं अद्दू को ले जाऊंगी, अद्दू से मेरी दोस्ती है। अदनान सदीकी साहब, हाँ। जाएंगे आपके साथ, हाँ। पताफी साहब और हुमायूं सईद साहब। तुसी इथे नहर दे ना होगे बताएं फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट, एक अपनी दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरमद खुसट, नुमान एजाज और पताफी साहब। मैं सरमद को, वो जाहिरी बात है, नोमी भाई सॉरी। अच्छा, नोमी भाई जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे उनसे माफी मांग रही है, वो जो साथ बैठे हुए उन बेचारे का सॉरी। हाँ, मुझे आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, मैंने इनको देनी थी लाइफ जैकेट। ये देखिए कितने स्वीट है। थैंक यू सो मच हनी पताफी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो नादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर आ जाए जरा फिर।